पंचरुखी रेलवे स्टेशन में ट्रेन आ गई है, जोगिंदर नगर से आती है ये। अब हम भी इस ट्रेन में चढ़ेंगे। ये परोर का पुल है, आज मैं आपको चामुंडा मंदिर के दर्शन करवाऊंगी, जहाँ पर माता के नयन है। उस गेट से हमने अभी एंट्री ली है, अब हम इस साइड जाएंगे। बाहर काफ़ी सुंदर सुंदर दुकानें हैं, वहाँ पे बहुत सी चीज़ें हैं। माता की चुंदरी है, सुहागी का सामान है और बहुत सी आइटम्स हैं। जूते उतारते हैं यहाँ पर, जूते चप्पल बिना मास्क दर्शन की अनुमति नहीं है, तो मास्क जरूरी है, पर कभी कई लोगों ने मास्क नहीं लगा रखा है। काफ़ी हॉल बन गए यहाँ पर बैठने के लिए, पहले नहीं हुआ करता था। पहले यहाँ से एंट्री होती थी, पर अब ये काफ़ी ब्रॉड कर दिया है। पहले काफ़ी कंजस्टेड एरिया था, अब काफ़ी ब्रॉड कर दिया माता के दर्शन के लिए। तो यहाँ पर जो लोग हैं, ये ट्रेडिशनल नगाड़ा है। ये मंदिर के चारों तरफ हम घेरा लगा रहे हैं, ये माता का। ये माता के शेर हैं जो सुरक्षा के लिए बैठे रहते हैं।
माता के दर्शन करने के बाद काफ़ी लोग आ रखे हैं। और ये हनुमान जी की प्रतिमा, पहले हम छोटे होते थे तो बहुत बड़ी लगती थी, अब ये भी थोड़ी छोटी लग रही है और बहुत बड़ी है। जय माता टमंडा। यहाँ के भी मैंने आपको अंदर से दर्शन करवाए हैं। ये जो है शिव मंदिर है, इधर जैसे जाएंगे शिव मंदिर के लिए, और यहाँ पे गुफा है शिव जी की, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। ये शिव गुफा के लिए लाइन लगी हुई है। कहा जाता है कि ये जो शिव जी की गुफा है, अगर चामुंडा मंदिर के दर्शन के बाद यहाँ पर दर्शन करना बहुत जरूरी होता है, तभी माता के दर्शन सफल होते हैं, क्योंकि शिव शक्ति के बिना अधूरा है और शक्ति शिव के बिना अधूरी है। और सभी नंदी जी के दर्शन कर रहे हैं, पैर छू रहे हैं और मन्नतें मांगते हैं इनके कान में। गुफा के दर्शन, पहले सीधा होता था ना, पहले ये द्वार भी बना था, सारे द्वार वगैरह काफी द्वार भी बना सीधा। हाँ, चामुंडा माता के दर्शन के बाद हमने गुफा के भी दर्शन कर लिए, शिव जी के भी, यहाँ का भी मैंने आपको दिखाया।
अब मैं आपको बाहर का दिखाऊंगी, पुल वगैरह यहाँ पर, खड्ड दिखाऊंगी, खड्ड बोलते हैं नदी को। ये जो आपको सरोवर सा दिख रहा है, इसमें बहुत पानी भरा होता था पहले, इस टाइम है नहीं विंटर सीजन में, तो पानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता था, स्नान करते थे लोग। ये है सामने श्री राम जी की प्रतिमा, भोले शंकर, और सामने गणेश जी, और नीचे मैं आपको दिखाती हूँ इसमें सरोवर में बोटिंग भी करते हैं, बट इस टाइम पे पानी नहीं है। ये माता और माता का दूसरा स्वरूप काली मैया का, ये है गद्दी चिलम लगाते हुए, और यह है पुल। ये सेल्फी लेते हुए भाभी, और ये रहा खड का नज़ारा, और ये सामने शमशान है, शमशान घर है, यहाँ पर भी शव जलाए जाते हैं, दाह दिया जाता है। बाहर के लोग यहाँ आके बड़े ही आनंद लेते हैं खड में, मतलब नदी में पानी का, उनके लिए तो जैसे जन्नत ही हो जाती पानी को देख के, क्योंकि अदर स्टेट्स में पानी की बहुत कमी है, तो उनके लिए तो जन्नत ही है पानी, और हमारा हिमाचल तो वैसे भी ऑलरेडी जन्नत ही है। देवभूमि हिमाचल की जय हो। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। सामने हमारा हिमालय पर्वत है। ये पूरा एरिया मैंने आपको अपने वीडियो में कवर करके दिखाया है, जहाँ जहाँ माता के शक्तिपीठ है वहाँ वहाँ शिव जी भी है, और माता के शेर भी है की रक्षा के लिए। बहुत ही खूबसूरत है, अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो बहुत इजी वे है, आप आ सकते हो यहाँ पर। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू फॉर वॉचिंग।